जिस तरह से अटके हुए थे, चाहे वो राजीव मित्र से संबंधित हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर से संबंधित हो, आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर किस तरह से जारी नहीं हो रहे, क्योंकि अभी प्रशासनिक व्यवस्था को देखने में समय लगा है, तो आपकी संवेदना और आपकी जो दर्द है वो मेरा भी दर्द है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी से लेकर के और हमारे संबंधित मंत्री आदरणीय गजेंद्र श्रीवास्तव जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर के फिर इस पर सोच करके गंभीरता से, उन्होंने भी हमारी जैसे चर्चा आपस में होती है तो इस विषय को ले रखा है, तो मुझे उम्मीद है आपके लिए कहीं न कहीं सकारात्मक निर्णय भी होगा और उसमें राहत मिलेगी। आप जो आप बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने इस पीड़ा को प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नकारात्मक चीजें कोई नहीं आई है, तो मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूँ हमारे बहन और भाइयों को, युवाओं को, कि इसको गंभीरता से लेके व्यक्तिगत रूप से मैं मिलकर के भी आपकी जो पीड़ा है वो मेरी भी पीड़ा है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, बेरोजगार रहा हूँ, उसके बाद में नौकरियों में भाइयों के रूप में आप हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्रवाई करूंगा। मैं माफी चाहूंगा कि मुझे 4 बजे करौली जिला के अंदर कार्यक्रम था, आज ये था, इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा था। ये बहन और बेटी में आपकी जो भावना है उनके अनुसार निर्णय हो, इसके लिए मैं सकारात्मक मेरे प्रयास ही मानता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर किस तरह से नहीं हो रहे, क्योंकि अभी प्रशासनिक व्यवस्था तो देखने में समय लगा है, तो आपकी संवेदना और आपकी जो दर्द है वो मेरा भी दर्द है। और मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारे संबंधित मंत्री आदरणीय गजेंद्र श्रीवास्तव जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर के फिर इस पर सोच करके गंभीरता से, उन्होंने भी हमारी जैसे चर्चा आपस में होती है तो इस विषय को ले रखा है, तो मुझे उम्मीद है आपके लिए कहीं न कहीं सकारात्मक निर्णय भी होगा और उसमें राहत मिलेगी। आप जो आप बहुत ही राजेंद्र भाई साहब जिंदाबाद, 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 राजस्थान का कोड़ी लाल, राजस्थान का कोड़ी लाल, कोड़ी लाल, कोड़ी लाल, राजस्थान का अपने बीच में राजा राम जी मील जाट महासभा के प्रेसिडेंट हैं, जो लंबे समय से युवाओं की, गरीबों की, किसानों की मांगों को सरकार से मांगा है और मनवाया भी है। जो आरएस वाली जो एग्जाम थी उसमें भी नाना जी ने खूब सहयोग किया और आगे पोस्टपोन करवाया और आज अपन को यहाँ पे धरने में समर्थन करने आए और अपना इनके माध्यम से अपना काम, मुझे उम्मीद है कि 101% अपना काम होगा। सरकार से बात करेंगे, मंत्री जी बताए, इन्होंने जी खींवसर साहब है, गजेंद्र सिंह जी खींवसर ही मंत्री है, आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट नहीं है, आठ कैडरी की भर्तियां हैं, ये सारी ये पेंडिंग रखने का कारण क्या है या इसका कोई मकसद क्या है? ये ऐसा है, इसमें बात करेंगे, मंत्री जी से बात करेंगे, सचिवालय में बात करेंगे, जो भी जहाँ हो पाएगा।
भाई साहब किरोड़ी लाल मीणा जी ने हमारे से कदम मिला के चले हो, आप भी हमारे साथ चल रहे हो, तो हमें सबसे पूर्ण विश्वास है कि हमारा अधिकार हमें मिलेगा। आपके सामने इसी के अंदर बारिश है, पहले भी आपके आपके सामने बैठ तो सरकार का फर्ज बनता है कि आपको आपका हक दे। हम आपको पार्टी दलित राजनीति छोड़कर सब पार्टियों के लोग सब मिलकर हमें कहेंगे कि हमारे बच्चों को उनका हक मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। जय हिंद जय भारत।